दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत ही झटपट बनने वाला एक टेस्टी स्नैक्स जिसका नाम है पापड़ रोल। ये देखने में और खाने में आपको लगभग स्प्रिंग रोल जैसा ही लगेगा, लेकिन बनाने में ये स्प्रिंग रोल जैसा टफ बिल्कुल नहीं है। मतलब इसके लिए ना ही आपको कोई एक्सपर्ट स्किल की जरूरत होगी और ना ही इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। और रोल के अंदर आज मैंने पनीर का स्टफिंग किए है जो खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। जैसे आपको दिखने में लग रहा है, ये खाने में उससे भी ज्यादा मजेदार बना है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चैताली और आप देख रहे हैं स्वाद का खजाना। तो आइए शुरू करें बनाना। तो सबसे पहले हम रोल के लिए स्टफिंग बना लेंगे। तो इस पैन में लेंगे करीबन 2 बड़े चम्मच तेल और तेल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप ऐसे स्लाइस किए हुए प्याज और मीडियम फ्लेम पर प्याज को हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लेंगे। ये देखिए प्याज हल्का सा भून चुका है। अब इसमें 1/2 छोटी चम्मच लहसुन पेस्ट, 1/2 छोटी चम्मच अदरक पेस्ट, 2 कटे हुए हरी मिर्च और 1/2 कप स्लाइस किए हुए टमाटर डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही इसे थोड़े देर के लिए और भून लेंगे ताकि टमाटर थोड़ा नरम हो जाए। अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच नमक, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स और यहाँ पे मैंने 1 कप पनीर को ऐसे क्रम्बल करके लिए है। ये पनीर को मैंने घर पर ही बनाया है, लेकिन आप चाहे तो मार्केट की पनीर भी ले सकते हैं। बस ऐसे थोड़ा सा क्रम्बल करके लेना। इस पनीर को भी पैन में डाल देंगे और सभी चीजों के साथ अच्छे से पनीर को भून लेंगे और कलची से ऐसे थोड़े थोड़े दबाते जाएंगे ताकि पनीर का ये भुर्जी अच्छे से बने। ये देखिए पनीर और मसाला अच्छे से आपस में मिल चुके हैं। अब इसमें 2 बड़े चम्मच टोमेटो केचप डालेंगे और इसे भी पनीर के साथ अच्छे से मिला देंगे। अगर आप केचप नहीं डालना चाहते हैं तो इसमें आप 1 चम्मच चीनी डाल देना और टमाटर की क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा देना। ये देखिए इसमें से तेल सेपरेट होना शुरू हो चुके हैं। अब लास्ट में इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसे भी अच्छे से मिला देंगे। तो दोस्तों स्टफिंग हमारा बन चुका है, अब इसे निकाल लेंगे। और थोड़े देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। स्टफिंग ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने पापड़ लिए हैं, ये प्लेन पापड़ है, लेकिन आप चाहें तो मसाला पापड़ भी ले सकते हैं। अब इस पापड़ के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी ऐसे ब्रश करेंगे और दोनों तरफ से पापड़ को थोड़ा सा भिगो लेंगे ताकि इसे हम इजीली फोल्ड कर सके। लेकिन पापड़ को आप कोई भी पानी की कटोरी में मत डुबाना, क्योंकि पापड़ अगर ज्यादा गीला हो जाएगा तो वो अच्छे से फोल्ड नहीं होगा। अब इसमें थोड़े से पनीर की स्टफिंग रखेंगे। और ये दोनों साइड्स को पहले ऐसे फोल्ड करेंगे। और अब ठीक ऐसे ही पूरे पापड़ को रोल कर देंगे। और अब इस एजेस में थोड़ा सा पानी और ब्रश करेंगे और इसे फोल्ड करके ऐसे सील कर देंगे ताकि स्टफिंग इसके अंदर से ना निकले। ये देखिए रोल कितने अच्छे से बन गया। और इसमें हमने कोई भी अलग से मैदा का पेस्ट यूज नहीं किए हैं। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे प्रोसेस को बनाते हैं तो आपको भी कोई मैदा का पेस्ट नहीं यूज करना होगा। अब इसे प्लेट में रख देंगे और ठीक ऐसे ही बाकी रोल्स को भी बना लेंगे। अब रोल्स को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे तेल को हल्का सा गर्म कर लिया है और ये रोल्स के जो सील वाला पोर्शन है
इसे हमें पहले नीचे की तरफ रख के तेल में छोड़ना है ताकि ये तेल में जाते ही खुल ना जाए। तो ऐसे ही कढ़ाई में जितना आएगा उतना ही रोल हम डाल देंगे और ऊपर से तेल ऐसे चम्मच से डालते जाएंगे और पापड़ को ऐसे ही उलट पलट करते हुए मीडियम लो फ्लेम पर हल्का सा सुनहरा कलर होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ये रोल्स फ्राई हो चुके हैं। अब इसे तेल से निकाल लेंगे। और ठीक ऐसे ही बाकी रोल्स को भी फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरे ऐसे ही सारे रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।